पेमेंट अटक गया, परेशानी खड़ी हो गई, पेमेंट रिकवर नहीं हो रहा है। आपकी शॉप है, बिजनेस है या कोई अन्य कार्य है, पेमेंट अगर स्टक हो गया है, रिकवर नहीं हो रहा है, तो आप घर के अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे? अकॉर्डिंग टू वास्तु, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैश फ्लो की डायरेक्शन है, वहां यदि आपकी एसी लगी हुई है, बाथरूम है, पानी की एक्टिविटी है, या ब्लू एंड ब्लैक कलर भी वहां पर अगर आ गया है, तो ये आपके पेमेंट को स्टक करते हैं। आप अगर पेमेंट रिकवर करना चाहते हैं तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आपको तुरंत इन सारी एक्टिविटीज़ को बंद करना है। एसी है, उसकी रेमेडी है, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अतिरिक्त कलर आपको हटाने हैं, पानी की एक्टिविटी अगर है तो वहाँ पर बिल्कुल बंद कर देनी है। उसके बाद में देखिए आपका जो पेमेंट स्टक हो गया है तुरंत रिकवर होगा। आपके जीवन में प्रेम की, लव की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि आपका प्लेनेट वीनस कमजोर है। वीनस को जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके जीवन में प्रेम का प्रवाह आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या क्या करेंगे? घर में एक तो सफाई का ध्यान रखेंगे, सजावट का ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप स्वयं सुगंध का, स्मेल, फ्रेग्रेंस, इत्र का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। खास तौर से बेड टाइम में आप इत्र का, परफ्यूम का जरूर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, गोल्डन शेड वाली जो वॉच है वो पहनना स्टार्ट करिए। ये छोटी टिप जरूर, छोटी सी चीज जरूर लगती है, लेकिन बड़ा काम करेगी। आपके जीवन में प्रेम का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। करके तो देखिए, वीनस को स्ट्रॉन्ग करिए। वीनस की क्वालिटीज, वीनस के प्रभाव अपने जीवन में लेकर आइए, क्योंकि शुक्र ग्रह खुशबू इत्र को बड़ा पसंद करते हैं। आप स्वयं इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपका पर्स अबंडेंस लेने वाला किस प्रकार से हो? उसमें अगर कुछ आपने नेगेटिव चीजें रख रखी है, जैसे पुराने बिल इत्यादि, फटे हुए नोट इत्यादि, चाबियां आपने उसी पर्स में डाल रखी है, इसके अतिरिक्त जो मृत हो चुके हैं उनका चित्र भी उसके अंदर डाल रखा है, उधार लिए हुए पैसे रुपए अगर आपने उसमें रख रखे हैं ये भी न हो, आपको किसी को पेमेंट करना है उसका भी कागज या उसका भी बिल आपने पर्स में रख रखा है, ये सब नेगेटिविटी आपके पर्स में लाते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए। नोट कभी भी आप मोड़ कर बिल्कुल भी न रखिए। तो पुराने बिल, फटे हुए नोट, चाबियां, पेमेंट की रसीद, उधार लिया हुआ पैसा, मृत जो हो चुके हैं उनकी तस्वीर कभी भी अपने वॉलेट में नहीं रखिए। इस चीज का आप ध्यान रखिए, फिर देखिए आपका वॉलेट आपके लिए किस प्रकार से मनी और अबंडेंस लेने वाला होगा। अगर है तुरंत हटाइए। धन्यवाद।